पढ़ते हैं ना, नमाज हो गया, नमाज पढ़ लिए, खाना खाते, ट्यूशन को निकलते, अब जाइनो। अभी गेट लगाओ, जुम्मा मुबारक आपको। अस्सलाम वालेकुम, तुमने भी जुम्मा मुबारक। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी सब भी अच्छे हैं। तुम लोग सबको भी जुम्मा मुबारक है। कल ईद हो गया, आज नेक्स्ट डे जुम्मा। अब बीच नमाज भी, किताब भी पढ़ दल लूँ मैं, कम्प्लीट हो गया। जैन अब ट्यूशन को चले गए, अब डेली रूटीन अभियान से अच्छे से अच्छा ईद सेलिब्रेशन हो गए। सिंपल होने हमारे एवरी ईयर अम्मी अब्बा यहाँ कहते सो, ये बार उल्ला आना नहीं। हमारे बड़े आपा घर को गए, वहाँ कर लिए उल्ला ईद है। हमें सिंपल होने से कर दिए ईद है ना, अच्छे से अच्छा होगा, नमाज अच्छे से होगा, सब भी अच्छे से होगा। आज जुम्मा, जुम्मे का नमाज भी अच्छे से होगा फ्रेंड्स। अभी क्या तुम लोग के ईद कैसा हुआ, तुम लोग कैसे सेलिब्रेट करे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से कहते सो के मुझे कॉमेंट करके बोलो। क्या लग दिया अब ला लो, एक प्लेट ला लो। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ना, गर्म है। जैन आपको इवनिंग स्नैक्स के नीचे ले लेता है उन लोग अब्बू। माशाल्लाह बढ़िया, बहुत अच्छे से ना, गर्म दे। फिर भी लाओ को डेयरी मिल्क चॉकलेट भी दिए जैनब, हैप्पी डेयरी मिल्क ऐसा फोटो कर। ले ले प्लेट ले, चॉकलेट है बाद में खाते, लेकिन ले इडली ठंडा हो जाता है, खा लो। नरम है माशाल्लाह। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल। सब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी सब भी अच्छे हैं। हम लोग फिर भी सब जो भी रूटीन लाइफ में कहा गए, रमज़ान का महीना तो चल गया ना, अब फिर भी रूटीन लाइफ पूरा भी दे, घर में सब एक्टिविटीज है सच कॉमन पूरा भी। अभी क्या मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने का, अभी नाश्ता बनाने टाइम क्या है कि ना हुआ, नाश्ता बना लेंगे। चलो आज सेवियाँ उपमा बनाएंगे, को समझती हूँ मैं, सेवियाँ उपमा बना लेंगे जे। चलो दया है कार्ड को बना लेंगे। चलो ऐसे पूरा अब रोटी नहीं चाहिए, पूरा खाना पकाओ, सालने पकाओ, बिजी बिजी सुबह ही तैयारी हो जाता सो वहाँ होता खाने का ये रहता नहीं सो। करेपक पूरा ड्राई हो गया, अच्छा छापा को रखे थे ऐसे ड्राई हो जाता, लेकिन इसका खुशबू मैकिन बहुत अच्छा रहता है। नाश्ता हो गया मेरा, सॉरी हो ची नाश्ता पक गया मेरा, अबे खाना से देरी। रोज़ा रहने को नाश्ता इसके क्या भी रहते नहीं ना, अच्छा रहता सब, बहुत मिस करती हूँ मैं तो रमज़ान का महीना। टाइम टू टाइम नमाज पढ़ना, किताब पढ़ना, इबादत करना ऐसा रहता सो। आफ्टर रमज़ान के बाद कितने जो नो नमाज़ा पढ़ना ज़रा टाइमिंग्स ऐसा ऐसा हो को, एक दो नमाज़ा सा छोड़ना, लेजीनेस आ जाना, रिलैक्स हो जाना, ऐसा कितने जो नो करे कहते सो कि मुझे कॉमेंट करके बोलो। आफ्टर रमज़ान है रिलैक्स हो गए इस वाले, रिलैक्स नहीं, रिलैक्स होना नहीं हमें, आप भी वैसा अच्छे कहते वाले भी मुझे बोलो कमेंट करको।
नाश्ता कर लूँ तो फिर मैं बैठ को जानू कब अभी फ्रेश होते हैं। का सालना हमारा अंडे मुंगे फली का सालना, टमाटे भी कट कर दे लो, वहाँ से अंडे भी उबाल दो को तल को, नमक मिर्ची हल्दी में वो कर दे लूँ बदे, अंडे भी मुंगे फली बनाते हैं। ऑलमोस्ट पूरा पक गया भी सालना, वो भी मेरा मुनगे फल्ला। मैं ये बात छोटे कट करूँ, कभी ज़रा बड़े कट कर दूँ, ज़रा अच्छा रहता ईजी होने का बोल को मैं छोटे करूँ बातें। अंडे मुनगे फल्ली कौन सी इवनिंग के स्नैक्स डिफरेंट होने बनाएंगे को फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ मैं। क्या बनाएंगे तो एग ब्रेड नूडल्स बातें, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँ। सो ये स्लाइसेस ली हूँ, ऐसा ब्रेड के स्लाइसेस ले को ऐसा भी लंबे लंबे होने कट कर लूँ। नूडल्स कैसे रहते देखो, हम लोग खाते टाइम पर ऐसे लंबे लंबे होना आते रहते ना, ऐसे लंबे होने कट कर लूँ मैं। इसके अंदर मैं डालने को दो अंडे लियूँ बातें, ऐसा तेल वो डाल ले को प्याज टमाटे दो अंडे ऐसा दाल को ऐसा बनाई बातें मैं। बहुत अच्छा आया माशाल्लाह। एकदम बहुत सिंपल होने बन गया, बनाने में भी इजी होने है ये, खाने में भी बहुत टेस्ट होने है। इसके अंदर अंडे डाले रहने से बच्चे भी जरूर अच्छा पसंद कर को खाते, हाई प्रोटीन ना। ऐसा घर में तुम लोग भी सिंपल होने भी बनाओ, ब्रेड टेस्ट हम को ईजी होने भी। ऐसा टमाटर केचप भी बहुत पसंद करते ना, हर घंटा मीठ मीठ का भी। ऐसे तुम लोग भी जरूर से भी ट्राई करो घर में एग ब्रेड नूडल्स है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखा ना कितना अच्छा है कि रात में मैं दूध का रोटी बनाई बातें, और रोटी
दाल को अच्छे से भी मिला लूँगा। दें दूध का रोटी बात है और दूध का फ्लेवर आपको प्लस एकदम नरम भी स्मूथ वन भी रहता ऐसा दूध डाल ले तो उसमें पूरा भी आटा अच्छे से भी मिला दल लूँगा। दें दूध का रोटी बनी है तुम लोग भी ट्राई करो कदा कब से भी कोई भी ऐसा नहीं बनानी है तो बना लो जरूर से भी बहुत अच्छा रहता अच्छा हेल्थ भी ना दूध का तो सभी हम ना कैल्शियम मिलता ऐसे नहीं पीते स्वादें को ऐसे रोटी में मिला को खिलाए तो अच्छा हेल्दी जरूर से तुम लोग भी ट्राई करो। नेक्स्ट है अभी क्या करता हूँ दूध रोटी ना ऐसे मऊज भी दाल को मैं रोटी बना दूँ मऊज दाल को ज़रा अच्छा से भी पके सो मऊजा रहते ना कत बहुत नहीं पकना मीडियम साइज के आटे भी में आटे में भी मिलना ना अच्छे से भी ऐसे मऊजा दो देखो अब मैं के क्वांटिटी पकड़ को ऐसे डाल लिए जा मऊजा भी ऐसे मऊज का रोटी भी मैं बना दूँ तुम लोग भी देख ला दूँ फिर एक बार रोटी बनाते टाइम जरूर से भी मऊज है वो दाल को तुम ना मऊज का रोटी भी बना दूँ ऐसा कहते सो कि बहुत अच्छा रहता वो भी उसका टेस्ट है। तुम लोगों को समर ड्रिंक बोल तो मैं अभी बहुत धूपा है ना ये धूपान से हम लोग अच्छा कूल होने रहना नेक्स्ट अच्छे से डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से काम करना का तो ये लेमन ज़ीरा नेक्स्ट सब्जा ऐसा मिला ले को एक अच्छे से ड्रिंक बना लो डेली एक ग्लास तो भी क्या ज़रूर से भी पियो तुम लोग बहुत अच्छा रहता ज़ीरा वाटर का था सो हम लोगों को डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा काम करता। ओके फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब तक अल्लाह हाफिज़।